संदेश देना चाहती है कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा उसको बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी जो है हमारी संस्कृति के बारे में पता चल सके। हजारों की संख्याओं में विभिन्न महिला मंडलों ने यहां पर आकर अपना जो है अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत किया और ये हमारी संस्कृति को दिखाती है, जो कि हमारी संस्कृति सबसे भिन्न है, अलग है और आने वाली पीढ़ी को संदेश देती है कि किस तरह से हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और आगे बढ़ाना है और वुमेन एम्पावरमेंट को भी दर्शाती है। और इस नाटी के माध्यम से हम सभी महिलाओं ने वुमन एम्पावरमेंट का संदेश भी दिया है। जी देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सारी महिलाएं एक साथ हमारे जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन हो रहा है, हमारी जो कुल्लू की वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है, उसमें एक साथ इतनी महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं। इससे एक तो उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है और हमारी जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन भी हो रहा है और उसका संरक्षण भी हो रहा है। और हम आशा करते ये जो हमारी कुलवी नाटी और पारंपरिक वेशभूषा, ये अपने आप में ही समृद्ध है, पूरे विश्व में बिल्कुल अलग है, अलग ही पहचान है। नाटी के माध्यम से हम अपने पारंपरिक लोक नृत्य और वेशभूषा को आगे बढ़ा रहे हैं और समृद्ध बना रहे हैं और इससे हमारी महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि राइट बैंक साइड की महिलाओं ने आज विंटर कार्निवल की जो नाटी है, लोकल नाटी, उसमें बढ़ चढ़ कर सभी ने हिस्सा लिया है। इस तरह से क्या हो रहा है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो हमारी बुजुर्गों के साथ भी पांव से पांव, कदम से कदम मिलाकर जो है नाटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हमारी संस्कृति को बहुत आगे लेके जा रही है। और जो हमारी ये नाटी है, ये पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने एक जगह बना ली है अपनी। तो हम सभी यंगस्टर से यही उम्मीद करते हैं कि वो भी इस नाटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा, ये जो हमारी महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एक साथ 1500 से ज्यादा महिलाओं ने जो नाटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इससे एक वुमेन जो है, वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है और सारी नारियां जो है इस नाटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कुलवी नाटी के द्वारा जो हम नारियां हैं वो हमारे कल्चर को भी बहुत आगे ले जाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हमारा कल्चर भी इससे प्रिजर्व हो रहा है। देखिए, ये जो हमारा कल्चर है, इससे हमारे हिमाचल प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश विदेश से लोग जो हैं आज इस सभ्यता को जो है वो अपना रहे हैं, हमारे कल्चर को जो है अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जो नाटी है पूरे हिमाचल प्रदेश में, कुलवी नाटी और हमारे यहाँ की मनाली की नाटी जो है वो मशहूर है और पूरे विदेश से, हिमाचल प्रदेश से और हमारे देश विदेश के लोग जो हैं वो इस नाटी का प्रचलन जो है वो कर रहे हैं और इंटरनेशनल मापचित्र में भी इनकी जो है वो एक अलग सी छाप जो है वो दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो तो मैं पहले कह चुका हूँ कि सब राज्यों से अलग है,
हर 10-15 किलोमीटर के बाद अगर हम हिमाचल में कहीं भी जाएं तो हर 10-15 किलोमीटर के बाद जो है हमारा कल्चर जो है वो अलग अलग रूप जो है वो लेता है। तो और ऊपर से हमारा जो प्रदेश है वो देवी देवताओं का स्थान है, अलग अलग हमारे देवता हैं, प्रतिष्ठित देवता भी हैं, देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर की जो है वो नाम और एक छाप जो है वो लगती है।